इस वीडियो के अंदर अब हम कंपैरिजन करेंगे बाय वेट। लास्ट वीडियो में कंपैरिजन किया था बाय स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया तो हमने रेशो किया, स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रहे थे, रेशो देख रहे थे हम तो ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी का। अब वेट से करेंगे तो रेशो किसका देखेंगे, वेट, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ फ्लो। ठीक है, वेट का मतलब क्या होता है, एम जी। एमजी को क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में लेंथ ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में लेंथ ऑफ हॉलो। अब देखिए मटेरियल दोनों का सेम है तो डेंसिटी दोनों की सेम होंगी। दूसरी चीज, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो लेंथ भी इक्वल होगी तो कैंसिल आउट। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग वेट ऑफ होलो एंड सॉलिड साफ, इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉलिड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होलो। सिंपली वी कैन से जब हम होलो और सॉलिड का वेट कंपेयर कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंपेयर कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, पाई बाय 4 डी एस का स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ होलो, पाई बाय 4 डी एच स्क्वायर माइनस में डी एच स्क्वायर, पाई बाय 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे, डी एच स्क्वायर अपॉन में डी एच स्क्वायर कॉमन निकालो तो यहां से क्या आ गया, 1 माइनस में एन स्क्वायर। और एन क्या चीज है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर ऑफ होलो साफ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ होलो इज इक्वल टू डायमीटर स्क्वायर ऑफ सॉलिड अपॉन में डी एच स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर। अब सेम केस आ गया, सेम केस आ गया लास्ट डेरिवेशन की तरह। लास्ट डेरिवेशन हम किसको कंपेयर कर रहे थे, टॉर्क को कंपेयर कर रहे थे। तो हमने क्या कंडीशन लिखी थी उसमें कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बोथ साफ इज सेम। अब क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या है, एक प्रकार से क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब मैं अगर कहता हूं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोथ साफ इज सेम तो हम क्या देखेंगे, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखे होलो और सॉलिड का तो कौन सी, और दोनों में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी सेम रखे, अगर ये दोनों सेम टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है होलो और सॉलिड में तो मैं देखूंगा कि किसका वेट ज्यादा होगा, होलो का या सॉलिड का। ठीक है, तो अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें, टॉर्क ऑफ होलो सॉलिड इक्वल टू टॉर्क ऑफ होलो। ठीक है, और हमारे पास टॉर्क फार्मूला क्या है, टी अपॉन में आई पी इक्वल टू टाउ अपॉन में आर। तो टी को क्या लिख सकते हैं, आई पी इंटू में टाउ अपॉन में आर। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं मैं, आई पी सॉलिड के लिए कितना होगा, पाई बाई 32 डी एस स्क्वायर आई पी इंटू में टाउ अपॉन में आर। आर को क्या लिख सकते हैं, डी एस स्क्वायर डी एस बाई 2। सिमिलरली जब होलो के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 32 डी एच की 4 माइनस में डी एच की 4 इंटू में टाउ अपॉन में डी एच बाई 2। ओके, अब देखिए पाई बाई 32, पाई बाई 32 हाफ हाफ टाउ टाउ, आपके पास क्या बच गया, यहां पे आपके पास बचा है, यहां पे यहां से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस क्या क्यू या सॉरी ये पावर 4 आएगी, पावर 4 होगी, डी एस का क्यू इक्वल टू इसमें से डी एच कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस में एन की पावर 4 अपॉन में डी एच, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना रहेगा, डी एच का क्यू। और डी एस को क्या लिख सकता हूं मैं, डी एच 1 माइनस में एन की पावर 4 की पावर 1/3, ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, ये डीएच की वैल्यू
डी एच के क्रम में यहां पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या जाएगा, डी एच वन माइनस एन की पावर फोर वन बाय थ्री, इट इज द वैल्यू ऑफ डीएस, और वैल्यू ऑफ डीएस यहां पे क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर अपॉन में डी एच स्क्वायर वन माइनस एन की पावर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर तो कैंसिल आउट, आपके पास क्या बच गया वन माइनस में एन की पावर फोर की पावर दो बटे थ्री अपॉन में वन माइनस में एन स्क्वायर, ये आ गया वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ होल। सेम यहां पे अगर एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू हम कितने रखें, एन की वैल्यू अगर हम सेम रखें 0.5 तो इसको सोल्व करते हुए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एच अपॉन में डब्ल्यू इज 1.22 अराउंड 1.22, तो मैं क्या कह सकता हूं वेट ऑफ सॉलिड इज 1.22 टाइम्स मोर देन वेट ऑफ होलो, यानी अगर दो शाफ्ट है मेरे पास, एक होलो शाफ्ट है और एक सॉलिड शाफ्ट है, दिस इज होलो दिस इज सॉलिड सॉलिड होलो, अगर दोनों दोनों सेम टॉक ट्रांसमिट कर रहे हैं, दोनों की लेंथ सेम है, तो मैं ये कहूंगा अगर इसका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर का रेशियो, सॉरी इनर अपॉन में आउटर का रेशियो 0.5 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वेट ऑफ सॉलिड, इसका वेट 1.22 टाइम्स मोर देन वेट ऑफ होलो, तो यानी पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होलो की ज्यादा होती है, इसलिए हम होलो सब बनाते हैं, लाइट सा होल रखते हैं सॉलिड एज रिस्पेक्ट टू डायमीटर, उसका एक होलो बना लेते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है वेट कम हो जाता है। तो ये कंपैरिजन था, कंपैरिजन बाय वेट, वेट किससे ज्यादा होता है सॉलिड का फोर्स, सेम टॉक ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है होलो की, अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, ठीक है आपको क्लियर होगी।